नमस्ते, आज मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन स्किन के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए उसके बारे में बताने वाली हूँ। मैं स्किन और हेयर ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे विषय में वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज़ क्लिक ऑन द आई कार्ड अबव। तो अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको कौन सी फेस वॉश यूज़ करनी चाहिए? आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। इस फेस वॉश को आपको कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए? तो पहले तो आप फेस वॉश अपनी हथेली में लोगे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के फोम बनाओगे, फिर ये फोम अपने टी जोन एरिया में, मतलब कि माथे में, नाक के एरिया में और चिन एरिया में आप लगाओगे। इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ोगे और फिर ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोओगे। चेहरा धोते समय जो भी फोम आपके गालों में लगेगा वो इनफ है आपके गालों को साफ करने के लिए। तो आप अलग से इसमें फेस वॉश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ आप टी जोन एरिया में फेस वॉश को लगाओगे और इसको ठंडे पानी से धोओगे। याद रहे कि हमेशा फेस वॉश करने के तुरंत बाद आप एक मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करोगे। तो आपको कौन सी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करनी चाहिए? मैं गर्मी के मौसम में जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स प्रेफर करती हूँ कॉम्बिनेशन स्किन के लोगों के लिए। तो आप कोई भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना। ये ज़्यादा हैवी भी नहीं फील करता, लाइट फील होता है और आपको ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं लगेगा और ज़्यादा पसीना भी नहीं आएगा। तो इसीलिए आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही इस्तेमाल करें। और सर्दियों के मौसम में आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर सकते हो। लोग जिनके कॉम्बिनेशन स्किन होते हैं उनके सर्दियों में गालों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो इसीलिए आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे तो आपके गालों की स्किन भी मुलायम रहेगी। तो आप कौन सा स्क्रब यूज़ कर सकते हो? मैं बिल्कुल भी स्क्रब प्रिफर नहीं करती किसी भी स्किन टाइप में। स्क्रब्स बस आपके स्किन को और इरिटेट करेगा और अगर स्किन में मुहासे है तो उसको और लाल करेगा, तो इसीलिए आप स्क्रब्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो केमिकल एक्सफोलिएटर्स, मतलब कि वो फेस वॉशेस जिसमें सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड हो। सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड आपके स्किन की ऊपर जो डेड स्किन लेयर होती है उसको उतारता है बहुत नाजुकी से। फिर आप इसके ऊपर जो भी क्रीम लगाते हो वो अच्छे से पेनिट्रेट होगा और अच्छे से आपके स्किन को मॉइस्चराइज रहेगा। इसीलिए आप प्लीज़ ऐसे स्क्रब्स इस्तेमाल ना करें अपने स्किन में। तो आपको कौन सी सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी चाहिए? आप हमेशा जेल बेस्ड सनस्क्रीन ही यूज़ करें। जेल बेस्ड सनस्क्रीन लाइट फील होता है, ज़्यादा आपको पसीना जैसा भी नहीं लगेगा और आपकी स्किन को ज़्यादा डल भी नहीं करेगा। तो प्लीज़ हमेशा आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन ही इस्तेमाल करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप प्लेन जिंक ऑक्साइड बेस्ड या प्लेन टाइटेनियम डाइऑक्साइड बेस्ड सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे रिएक्शन नहीं होती, ये बहुत मुलायम होता है और आपकी स्किन को कोई प्रॉब्लम भी नहीं करेगा। हमेशा याद रखिए कि सनस्क्रीन को बार बार लगाना होता है, हर 2-2 घंटे में। सिर्फ एक बार सनस्क्रीन लगाने से उससे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। अगर आप धूप में घूमने वाले हो तो आप सुबह 9 बजे अपना सनस्क्रीन लगाओगे, फिर 11 बजे, 1 बजे और 3 बजे इसको रीअप्लाई करोगे। अगर आप घर के अंदर रहते हो तो भी आपको दिन में एक बार तो सनस्क्रीन लगानी ही चाहिए। जिन लोगों के कॉम्बिनेशन स्किन होता है उन लोगों को ओपन पोर्स की भी परेशानी रहती है, तो वो कंप्लेन करते हैं कि उनके नाक के आसपास बहुत सारा ओपन पोर्स रहता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? ओपन पोर्स के लिए बेस्ट क्रीम होता है ट्रेटिनोइन 0.025% क्रीम। इसको आप बहुत छोटी सी मात्रा में, तिल के दाने जितनी मात्रा में अपने नाक में लगाना रात को सोने से पहले। याद रहे कि ट्रेटिनोइन क्रीम आपके स्किन को इरिटेट कर सकता है और ड्राई भी कर सकता है, इसीलिए आप जब भी ट्रेटिनोइन क्रीम इस्तेमाल करो इसको बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करें और वो लगाने के तुरंत बाद आप मॉइस्चराइज़र भी लगाएं और दिन में हमेशा सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। अगर ट्रेटिनोइन क्रीम लगाने के बाद आपको लग रहा है कि आपकी स्किन बहुत रूखी हो गई है तो आप इसको सिर्फ 1 घंटे ही छोड़ना। ट्रेटिनोइन क्रीम लगा के 1 घंटे में आप इसको वॉश कर दीजिए और आप इसको हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार ही इस्तेमाल करें, हर रोज़ ना इस्तेमाल करें। इसको आपको नियमित रूप से 6 से 8 महीने के लिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी
तब जाके आपको रिजल्ट दिखेगी। तो आप कौन सा एंटी एजिंग क्रीम इस्तेमाल कर सकते हो? आप कोई भी रेटिनॉल बेस्ड एंटी एजिंग क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो, आप हाइलुरोनिक एसिड क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो बेस्ट रहेगा कि आप सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड क्रीम ही इस्तेमाल करो। हाइलुरोनिक एसिड बहुत मुलायम रहता है स्किन में, आपकी स्किन को इरिटेट भी नहीं करेगा और ज़्यादा ड्राई भी नहीं करेगा। आप ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स भी इस्तेमाल कर सकते हो एंटी एजिंग के तौर में। तो आप ग्लाइकोलिक एसिड 6% क्रीम यूज़ कर सकते हो पूरे चेहरे में रात को, सिर्फ हफ्ते में एक या दो बार। ये आपकी डेड स्किन लेयर को उतारेगी ताकि जो भी आप मॉइस्चराइज़र या हाइलुरोनिक एसिड क्रीम या रेटिनॉल क्रीम लगाए वो थोड़े अंदर तक जाए और उसकी असर भी बेटर रहे। तो आप ऐसे ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स हफ्ते में एक या दो बार इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपकी फ्रेकल्स भी कम होगी, डार्क स्पॉट्स भी कम होगी और आपको झुर्रियाँ भी कम दिखने लगेगी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप क्या घरेलू नुस्खे और क्या मास्क बना सकते हो घर में कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए। आप बेसन, दही, हल्दी और हनी को मिक्स कीजिए और इसको आप टी जोन एरिया में लगाइए। फिर जो बचता है मिक्सचर उसमें 2-3 बूंद ऑलिव ऑयल का डालें और ये आप अपने गालों में लगाएं। इसको आप 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ सकते हो, फिर ठंडे पानी से इसको वॉश कीजिए और तुरंत इसके बाद आप अपने पूरे चेहरे में मॉइस्चराइज़र लगाएं। इससे आपकी टी जोन से जो ऑयल है वो भी निकलेगा और आपके गाल भी ज़्यादा ड्राई नहीं लगेंगे। आप अपने पूरे चेहरे में पपाया और दही भी लगा सकते हो। पपाया को मैश कीजिए, उसमें 2 चम्मच दही डालिए और इस मिक्सचर को आप अपने पूरे चेहरे में लगाइए। इसको 20 मिनट छोड़ के आप ठंडे पानी से वॉश कर सकते हो। इससे आपका स्किन भी सॉफ्ट रहेगा और ब्राइट दिखेगी। आप अपने चेहरे में पका हुआ केला, राइप बनाना, कर्ड और 1 चम्मच हनी डाल के इसका मास्क भी अपने चेहरे में लगा सकते हो। इसको भी आप 20 से 25 मिनट छोड़ के ठंडे पानी से धो सकते हो। इससे आपके चेहरे थोड़ी ब्राइट लगने लगेगी और मुलायम भी रहेगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक में वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें हमारा इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर आंचल MD में फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं हर रोज़ ऐसे वीडियोस अपलोड करती हूँ। हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।